ब्रिटेन कहता है कि हम आपको अस्थाई सदस्य बना देंगे, यानी 5 से 6 हो जाएगा, लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। तो भैया हम अस्थाई बन के कौन सी करेंगे जब वीटो ही ना हो यहाँ पे? आपका ब्याह करके दुल्हन ना दे तो ब्याह तो भाई ब्याह मत करो। पुतिन मोदी जी को थैंक यू कह रहा है कि भाई G20 में हमरा बचा लिए, तो कुल माथा नोच जाता समरा, हाँ करके पड़ जाता है यहाँ पे। चाइना पे ना चाइना पे भरोसा कीजिए, ना चाइनीज सामान पे भरोसा कीजिए। तो यूएनओ में सबसे पावरफुल कौन है? अस्थाई। अच्छा, भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ मित्रों, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इस वीटो को जब दिया जाएगा तो कौन इतना गारंटी होना चाहिए कि इन पांचों में से कोई भी वीटो ना कर दे। अमेरिका कह रहा है कि हम वीटो देने के लिए तैयार, फ्रांस कहता है कि तो हम अभी ये दे देते हैं एडवांस में वीटो, रूस कहता है यार हमसे काहे लिए पूछता है, हमरे ले ले तुम, हमें मेन दिक्कत किससे है? चाइना कहता है कि हम भारत को वीटो नहीं देंगे। तो वीटो अगर चाहिए तो पाकिस्तान को भी दो। तो भारत कहता है हाँ दे दो, क्योंकि देखिए अगर चाइना इस बात पे रह रहा है कि पाकिस्तान को भी वीटो दिया जाए तभी दिया जाएगा, तो कह जाएगा ठीक है तुम अपनी सहमति दो, पाकिस्तान को तो रोकने वाले 50 गो हैं सब, यूक्रेन को हथियार बेचा था ये चोट्टा, ये रूस पुतिन तो खोज रहा है इनको। अच्छा देखिए, हथियार भी बेचा था तो चल नहीं पाया, चाइनीज था यहाँ पर। अच्छा, चाइना का हथियार अभी 2 दिन पहले युद्ध में प्रैक्टिस कर रहा था और उसका ना सॉफ्टवेयर घूम गया और वापस चलाया, उसका मिसाइल वापस चलाया। देखो मिसाइल से, मिसाइल को तो आइडिया नहीं है, उसको कोई ना कोई रास्ता दिखा रहा होता है, जो रास्ता दिखाने वाला मैप है अगर वही गड़बड़ाया तो कहीं चल जाएगा, उसको रास्ता यू टर्न बता दिया कोनो। सोचा घूम आया यहाँ पे, चाइना पगलाया कि सब मिसाइल चेक कर रहे भाई, तो गड़बड़ हो गई लो यहाँ पे, अपने बनल का क्या हो गया, गड़बड़ो। तो हमें मेन दिक्कत किससे है? सबसे बड़ा दिक्कत चाइना। चाइना क्या कहता है? हम आपको वीटो नहीं दे। अच्छा, ये चोट्टा इतना खचरा है चाइना, कहता है कि भारत ने CTBT पे साइन नहीं किया है। CTBT का मतलब और NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हमने इन दोनों पे साइन नहीं किया। देखिए NPT क्या कहता है कि जो भी इस पे साइन करेगा ना, वो ये कहता है कि हम यूरेनियम का यूज शांतिपूर्ण काम के लिए करेंगे, हम परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, केवल 5 ही देश हैं जो परमाणु हथियार रख सकते हैं। जैसे साइन कीजिएगा ना तो उस पे लिखा होता है, तो भारत ने साइन ही नहीं किया, कहा कि हम अपना परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देंगे और हम यूज भी शांतिपूर्ण ही करेंगे, लेकिन हम ही कैसे कहेंगे कि आप रख सकते हैं हम नहीं रख सकते। तो भारत NPT पे साइन नहीं कर, कहता है कि हम इसी शर्त पे साइन करेंगे जब इसमें यह लिख दीजिए कि दुनिया का कोई देश परमाणु बम नहीं रखेगा, हम हटा देंगे अपने आप। तो थेथराई का तो हद होता है ना, नेता सबसे ज्यादा कोई करता था, और में जो सबसे छाटल रहता है तो ऊपर पहुंचता है, और वहां UNO में सब छाटल पहुंचा है अपने अपने देश का यहां पर, तो उन सब को कहीं नहीं ना। तो चाइना कहता नहीं नहीं, NPT पे जब तक साइन नहीं कीजिएगा तब तक हम आपको वीटो नहीं देंगे, और CTBT कहता है कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो भारत ने इस पे साइन नहीं किया, लेकिन फ्रांस भी NPT पे साइन नहीं किया था, उसे वीटो मिल गया था। तो भारत कहता हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन सारा लॉजिक एक और, मार देगा वीटो तो रुक जाएगा, मार देगा वीटो तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अभी चाइना फंस गया एक चीज में, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन। ये कहता है कि अगर आपको 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइल बनानी है ना, तो आपको MTCR का सदस्य बनना जरूरी है। इसलिए भारत ने जितना ब्रह्मोस बनाया उसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर, क्योंकि बिना सदस्य बने हम इतना ही बना के बेच सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो, अगर कोई MTCR का सदस्य नहीं है और वो चाहता है कि मिसाइल बेचे जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है, बेच पाएगा? उसके लिए उसे क्या बनना पड़ेगा? भारत 2 साल पहले MTCR का सदस्य बन गया, अतः अब ब्रह्मोस बन रही है 700 किलोमीटर मारक क्षमता का, और यह ब्रह्मोस हम MTCR के सदस्य होने के नाते बेच भी सकते हैं। अब चाइना MTCR का सदस्य नहीं है, अब हम ब्रह्मोस उसी को बेच रहे हैं जो चाइना का कट्टर दुश्मन है, फिलीपीन, जापान,
ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, इसी सब को बेचेंगे लोग। चाइना पागल हो गया, समझ में आ गया कि क्या पागल हो गया यार, क्या करें हम यहाँ पे। चाइना का हम भी पाकिस्तान को बेचेंगे, तो कहा बेचो, 300 से ज्यादा मारक क्षमता का बेचिए नहीं पाएगा तुम्हें, और हमारे यहाँ S-400 है, तुम्हारी क्षमता 300 आइए सकता है, और हम ससुरा 400 तक घुस के मार देंगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ कौन है S-400। परेशान हो गया यहाँ, हमारा S-400 ऐसा जहाज है जो 400 किलोमीटर दूर दुश्मन के किसी जहाज को मार के गिरा सकता है। अब हम लोग S-400 किससे खरीदे? रूस, रूस हमें दे भी दिया, चाइना भी गया, हमको भी S-400 चाहिए, तो कहा पैसा लाओ, रूस ने पैसा ले लिया, अथमा दिया S-300, तो कहा कि पैसा तो लिया है 400 का, तो कहा कि रडार दिए हैं तुमको 400 वाला, तुम देख सकते हो 400 किलोमीटर, मार सकते हो 300 किलोमीटर। अभी बताओ, हमारा एयर डिफेंस 400 मार सकता है और उसका 300 मार सकता है, तो तुम्हारा हथियार कितना एडवांस रहे, कोने काम का है? तुम्हें 100 किलोमीटर दूर से रह के कहेंगे देख तो रहा ऊ जहाजिया को मारने जा रहे हैं हम, देख देख आ धाए दे चले जाएंगे। अब फंस गया है कौन? उसे चाहिए MTCR का सदस्य, ताकि बड़े हथियारों को खरीद सके और बेच सके। अब इसमें भारत को है बीटो, इसमें भारत को क्या है? बीटो। तो एक हाथ से MTCR में आओ तो दूसरे हाथ से UNO में जाओ। नहीं समझ में आया? बेहतरीन ढंग से होगा। चाइना पे ना, चाइना पे भरोसा कीजिए ना चाइनीज सामान पे भरोसा कीजिए, इस ससुरा का कोई भरोसा नहीं। तो अतः जिस दिन चाइना MTCR का सदस्य बने, उस दिन हम लोग क्या हो जाएंगे? UNO के बीटो पावर। अच्छा, ब्रिटेन ये चुट्टा क्या कहता है पता है? ब्रिटेन कहता है कि हम आपको अस्थाई सदस्य बना देंगे, यानी 5 से 6 हो जाएगा, लेकिन बीटो पावर नहीं देंगे। तो भैया हम अस्थाई बन के कौन सी करेंगे जब बीटो ही ना हो यहाँ पे? आपका ब्याह करके दुल्हन ना दे तो ब्याह तो भाई ब्याह मत करो। तो ब्रिटेन तो अलगे पगला है वहां पे। अरे भैया हम अस्थाई सदस्य लेके क्या करें? हम तो कहते ब्रिटेन को तुम हमको बीटो दे दो, भले अस्थाई मत दो। मेन क्या है? बीटो। मेन क्या है? बीटो। अच्छा, बीटो रख लेना बड़ी बात नहीं होती है, उससे रिलेशन खराब हो जाते हैं बीटो से। देखिए, जैसे ईरान मुसीबत में फंस गया, सपोज कीजिए कि ईरान पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की बात कह दिया कि हम आप पे क्या लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। सपोज अब ईरान भागे भागे आएगा कि भैया कोई बीटो कर लो। अगर हम ईरान के प्रस्ताव को बीटो करते हैं तो ईरान तो बच जाएगा दुश्मनी अमेरिका से। तो भैया हम लोग को शुरुआत में बीटो नहीं है मिला तो ठीक है, बवाल तो नहीं लिए कम से कम, और हमें बीटो के लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि दुनिया भारत को अपने फेवर में लाने के लिए आतुर है। फ्रांस कहता है भाई कहियो बीटो मारने का, मोदी जी देखिए आपको कहियो बीटो मारने का होगा हमको तुरंत फोन कीजिएगा, रात 2 बजे कर सकते हैं आप, व्हाट्सअप कीजिएगा, हम सुबह उठते बीटो मार देंगे, बाद में पढ़ेंगे कौन प्रस्ताव था यहाँ पर। अब पुतिन मोदी जी को थैंक यू कह रहा है कि भाई G20 में हमरा बचा लिए, न तो कुल माथा नोच जाता समरा, हाँ 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 करके पड़ जाता है यहाँ पे। मोदी जी क्या किए? बचा लिए पुतिन को। पुतिन, रूस ने हमेशा हमारे लिए बीटो किया, तो हम करें या हमारे लिए कोई और करे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान जाता है कहाँ पे? UNO में, कि देखिए कश्मीर में ना लोगों से पूछिए, कश्मीर के लोगों से पूछिए कि कहाँ रहना चाहते हैं। अब भाई कश्मीर में ऐसा माहौल बना दिया ना पाकिस्तान, ऐसा माहौल बना दिया, देखिए कश्मीर में उसने क्या किया, जो भी आतंकवादी भेजा ना उसे लड़ने कम और धर्म के लिए ज्यादा भेज दिया, टोपी पहना के भेजा कि मरने वाले की जाति पता चल सके, जबकि तुम्हें लड़ने भेजना था तो सेना की वर्दी में भेजो, टोपी पहनाने की क्या जरूरत, ताकि कश्मीर के अंदर एक मनोवैज्ञानिक खेल खेले, और वो सफल हो गया खेल खेलने में। भारत को नामे नहीं बताना चाहिए था आतंकवादी सबका, नहीं समझ में आया? बॉडी पता नहीं कहाँ गया, हमको क्या पता, अरे ना जलाओ ना दफनाओ, हमको क्या पता, कोई मराया ही नहीं है, काम खत्म यहाँ पे। तो पाकिस्तान, अब भारत परेशान हो गया कि ससुरा अगर UNO कह दिया कि कश्मीर में क्या कराओ, जनमत संग्रह, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब भारत भागा रूस के पास कि महाराज वहां 370 लगा हुआ है,
370 रूस कहा कि क्या जरूरत है, जनमत संग्रह करा लो, लोगों को भर दो वहां पे। तो कहा कि महाराज वहां 370 लगाए, बाहर के लोग नहीं भर सकते हैं वहां पे, तो एक काम कीजिए आप तब तक बीटो मारते रहिएगा जब तक हम 370 नहीं हटा देते। तो इंदिरा गांधी कहीं क्या है, महाराज रुकवाइए, रूस बीटो मार दिया। मोरारजी देसाई कहें रुकवाइए, और रुकवा दिए। यहाँ पर गुजराल साहब गए, वो भी रुकवा दिए। अटल बिहारी वाजपेयी गए, वो भी रुकवा दिए। मोदी जी भी गए, वो भी रुकवा दिए। अब पुतिन का बहुत दिन हो गया, यहाँ पे 370 हट गया, अब 370 हट गया। अब 30 से 40 साल बाद बाहर के भारत के बहुत सारे लोग कहाँ जाके बस जाएंगे, इसलिए लद्दाख के एरिया में देखिएगा टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, सबको कोच के भर देना है कहाँ, लद्दाख में। और धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो करा लो जनमत संग्रह, आ जाओ यहाँ पे। नहीं समझा, ये प्लान बहुत दूर तक का है। आप पाकिस्तान के बिलो रानी को कौन चीज समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, आओ कभी क्लास में तब बताते हैं तुम लोग हम। हाँ हाँ, खाली फोटो खिंचाने भर का वो जानता है, यहाँ पे बात करता है, कहियो लाहौर में क्लास लेने लायक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे।